हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, क्लास इंटर फाइनल सब्जेक्ट इंग्लिश की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले टॉपिक में क्या आज कई टॉपिक चूंकि वीडियो का जो समय होता था वो कम होता था और आज उस समय को अब उसको बढ़ा रहे हैं और लंबा पैराग्राफ इसकी पढ़ाई हो जाएगी। तो आज इस लेसन को हम समाप्त करेंगे। तो इसके पहले वाले पैराग्राफ ने हमें ये बताया था हमने कि मॉस्किटो ने उस कैरिज में बिल्कुल इक्वल पोजीशन की बात की थी। राइटर की समझ में आया कि जितना अधिकार मेरा इस कैरिज में है उतना ही मेरे सहयात्री मॉस्किटो का भी है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुप्रियरिटी फेडिंग। मैंने महसूस किया अपने हृदय में उस मॉस्किटो के प्रति मित्रता का भाव एहसास किया और मेरा जो सुप्रियरिटी था, यानी जो मेरा दंभ था, जो मेरा गर्व था, अहम था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the openly competition in which we had ever engaged? How could I feel superior to a creature? मैं उस प्राणी से अपने आप को कैसे सुपर समझूं जो कि कंपटीशन में खुल करके हिस्सा लिया और मेरा मास्टर बना हुआ था, मेरा मालिक बना हुआ था। मुझे लगा कि वो मेरा मालिक बना हुआ है, तो मैं कैसे उससे अपने आप को सुपर समझूं? Why not be magnanimous again? तो मैं फिर उसके प्रति उदार क्यों ना बन जाऊं? Magnanimity and mercy were the noblest attributes of man. क्योंकि उदारता और दयालुता ये मनुष्य के दो शानदार गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ द हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माय प्रेस्टीज। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास के द्वारा मैं अपने प्रेस्टीज यानी अपने सम्मान को पुनः मैं वापस ला सकता था। एट प्रेजेंट आई वाज रेडिक्यूलस, वर्तमान में मैं हास्यास्पद बन गया। फिगर ऑफ ए थिंग फॉर लाफ्टर, और हंसी का पात्र बन गया। एंड डेरिशन, और तिरस्कार का, तो हंसी और तिरस्कार का मैं पात्र बन गया। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। तो दयालु बन करके मैं आई कुड डिसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य के नैतिक गुणों को पुनः स्थापित करने के लिए मैं जाकर के सम्मान पूर्वक कोने में बैठ गया। आई विथड्रॉ द सेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। मैं अपने सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा कि मैंने जो मृत्यु का संदेश दिया था कि तुम मृत्यु के काबिल हो, तो मैं इस वाक्य को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बट आई कैन डिप्राइव यू, बल्कि मैं तुम्हारा पुनरुद्धार करूंगा, उद्धार कर दूंगा। आई डू इट, और मैं ऐसा ही करूंगा।
आई टूक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। मैंने अपना अखबार लिया, जैसे ही अखबार को मैं ऊपर उठाया, केम एंड सैट ऑन इट, वो आया, मॉस्किटो आया और मेरे उस पेपर पर बैठ गया। पुलिस फेलो आई सेड, मैंने कहा मूर्ख दोस्त, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। मूर्ख दोस्त, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली आर्गन आप ओपिनियन इज मैक ऑन बोथ दी कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो राइटर ने कहा कि मूर्ख दोस्त, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है और ये साप्ताहिक सम्मानित जो विचारों की पत्रिका है और इसमें दो आर्टिकल जो छपे हुए हैं, पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दोनों आर्टिकल के बीच अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इन दोनों कवर के बीच दबा करके सैंडविच बना सकता हूं, चटनी बन सकते हो। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्लाइड यू, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग इट मींस इट। तो मैंने तुम्हारा पुनरुद्धार किया है, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ और ये विशाल जानवर यदि कुछ कहता है तो उसका मतलब भी रखता है, यानी उसका वादा निभाता है। Moreover, I no longer desire to kill you, इसके अतिरिक्त अब तुम्हें मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, जान से तुम्हें मारने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। Through knowing you better, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. Through knowing you better, अब मैंने तुम्हें पहले से अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया है। आई हैव कम टू फील, और मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या मैं उसे बताऊं? ये सार्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, आई मॉस्किटो मित्र, तुम्हारे लिए मेरे अंदर प्रेम का, एक तरह का प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मित्रता का प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आई फैंसी That Saint Francis would have called you little brother. मैं मानता हूँ कि Saint Francis तुम्हें अपना छोटा भाई मानते होंगे। Saint Francis एक ऐसे क्रिश्चियन संत थे जो मानवता का संदेश लोगों को दिए थे। तो राइटर बता रहा है कि Saint Francis तुम्हें अपना छोटा भाई मानते हैं। I cannot go so far as that in Christian charity and civility. तो मैं उतना उदार या श्रेष्ठ तो क्रिश्चियन लोगों की तरह नहीं हो सकता। But I recognize a more distant relationship. लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा और तुम्हारा कोई दूर का रिश्ता है। Fortune has made us fellow travelers. ऑन दिस समर नाइट, गर्मी की इस रात में भाग्य ने, सौभाग्य ने हमें एक दूसरे का सहयात्री बना दिया। आई हैव इंटरेस्टेड यू, राइटर कहता है कि ए मॉस्किटो मित्र, मैंने तुम में आनंद लिया है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा आनंद वर्धन किया है, तुमने मेरे आनंद को बढ़ाया है। The obligation is mutual, एहसान तो दोनों तरफ से है। And it is founded on the fundamental fact, और ये आधारभूत सत्य है कि we are fellow mortals, कि हम दोनों मित्र नश्वर हैं, दोनों नष्ट होने वाले हैं। The miracle of life is ours in common, जीवन का जो चमत्कार है हम दोनों में समान है।
एंड इट्स मिस्ट्री टू, और जीवन का जो रहस्य है वो भी समान है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम भी अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं अपने बारे में भी पूरी तरह से सब कुछ नहीं जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, वास्तव में यदि हम इस पर विचार करें, ए गुड डील अलाइक, हम दोनों के अंदर काफ़ी समानता है। जस्ट अपीयरेंस दैट और एंड देम और नॉट, हम दोनों के अंदर एक विचार, एक आभास होता है कि हम हैं, और फिर ये भी होता है कि हम नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरिज, रोशनी से युक्त इस ट्रेन की कैरिज में तुम आए। फ्लटर्ड अबाउट द लैंप फॉर ए व्हाइल, और जलती हुई रोशनी के चारों तरफ अपने पंख को फड़फड़ाए, यह आभास होने का है। गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन, तो तुम आए रोशनी में अपने पंख को फड़फड़ाए, ये जीवन में वर्तमान होने का एहसास है। गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन परहैप्स, और फिर इसके बाद रात में तुम दोबारा चले गए, शायद ये जिंदगी ना होने का आभास है। गुड गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो। तो राइटर बता रहा है इस तरह से यात्रा करते करते जब मैं आखिरी छोर पर पहुंच गया जहां मुझे उतरना था, एक आवाज मेरे कान में आई, गुड नाइट। खिड़की के पास से गुड नाइट की आवाज आई, इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, और ये आवाज उस स्टेशन पर रहने वाले एक पोर्टर की आवाज थी, गिविंग मी ए हिंट, वो मुझे सचेत कर रहा था कि दिस वॉज माई स्टेशन, कि सर कि आपका स्टेशन आ गया, आपके उतरने का समय है। आई थैंक हिम एंड सेड, मैंने उस व्यक्ति को, उस पोर्टर को धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं ऊँघ रहा था। मैंने पोर्टर से बताया कि मैं तो ऊँघ रहा था, नींद में था। एंड सेजिंग माई हैट एंड स्टिक, और इसके बाद मैंने अपना हैट और छड़ी उठाया। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और उस ठंडी गर्मी की रात में मैं उस कैरी से बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने रेलवे के उस कैरीज को, उस डिब्बे को, डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, डोर को बंद किया, आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैंप, तो मैंने देखा कि मेरा वो सहयात्री मित्र मॉस्किटो अभी भी उस लैंप के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था, उस लाइट के चारों तरफ घूम रहा था। ओके, थैंक यू।